हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कमल का फूल वृत्त में कैसे बनाते हैं। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने कमल का फूल बनाया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, सर इससे भी आसान तरीका से बताइए कमल का फूल कैसे बनाया जाए और इसको कैसे पेंट किया जाए। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे आसान तरीके से कमल का फूल कैसे बनाते हैं एंड कैसे इसको पेंट करते हैं। यहाँ मैंने अप्सरा की 2B पेंसिल यूज किया है। तो चलिए, इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको लो प्रेशर का यूज़ करना है, डायरेक्टली आपको डार्क नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डार्क करेंगे और मिस्टेक होने पर आप इसको अच्छी तरह से इरेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप डार्क नहीं करना है इसको। यहाँ मैं एक छोटा सा ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, सबसे पहले नीचे का बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, देन ऊपर का बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। एंड गाइस, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कमल का फूल बनाने के लिए, वो भी वृत्त में। तो आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से और इसी को आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर मैं काफ़ी लो प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ, देन डार्क कर रहे हैं इसको। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से बनाना है। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कम से कम आप 90% कमल का फूल बनाना सीख जाएंगे एंड इसको पेंटिंग करना भी अच्छी तरह से सीख जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके बाद गाइस, नीचे की पंखुड़ियों को बनाना है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं ऐसे ही। देन आपको तीसरा पंखुड़ियाँ निकालना है, तो उसको भी अच्छी तरह से निकालेंगे हम। तो ठीक इसके नीचे से हम तीसरी पंखुड़ियाँ निकालेंगे ऐसे, एंड सेम मैं इधर से भी ठीक वैसे ही निकालूंगा। तो फाइनली हमारा कमल का फूल बन चुका है। यहाँ मैं एक छोटी सी तितली बना दे रहा हूँ, काफ़ी बार बॉडी जब पूछता है कि तितली सहित बनाइए, तो आप भी कुछ इस प्रकार से बना लीजिएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। एंड गाइस, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो, फॉर एग्जांपल पेंटिंग या पेंट या ब्रश या पेंसिल से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर जरूर बनाऊंगा। कोई भी फूल बनाना हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, पहले इसको अच्छी तरह से बना लेते हैं। तो गाइस, इस बार 90% चांस है कि कमल का फूल बनाने को आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कली भी बना लेता हूँ। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं अच्छी तरह से। एंड गाइस, आप चाहें तो बगल से पत्तियाँ छोटी छोटी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। एंड ऊपर से भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। और गाइस, अगर आप चाहें तो नीचे की साइड से भी कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना ही आप इसको भरेंगे अच्छी तरह से, उतना ही अट्रैक्टिव दिखेगा और अच्छा नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस, हमारा कमल का फूल बन चुका है। अब इसको मैं पेंट करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने कुछ इस प्रकार का ब्रश का यूज़ किया है। ये गाइस 2 नंबर का पेंटिंग ब्रश है। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस कराता रहता हूँ कला की, ठीक है। तो अगर आपको भी आर्ट सीखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड रेगुलर सीखते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस, हमारा पेंटिंग हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कलियों को पेंट करने वाला हूँ, तो चलिए इसको भी अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। तो गाइस, पत्तियों को पेंट करने के लिए मैंने लाइट ग्रीन पेंट का यूज किया है। तो चलिए इसको भी अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। Thank you.
तो फाइनली गाइस हमारा पत्तियाँ पेंट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे तितली को पेंट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ब्लू एंड रेड पेंट का यूज़ किया है। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से पेंटिंग कर लेनी है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पेंट करते हैं। एंड गाइस इसमें मैंने आउटलाइन के लिए वाइट पेंट का यूज़ किया है। तो गाइस तितलियों में काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइन वगैरह होती हैं जो नेचुरल होती हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइन वगैरह बना लेता हूँ। तो चलिए इसको अच्छी तरह से बना लेते हैं। ऊपर के साइड से भी कुछ ऐसे ही डिज़ाइन बना लेंगे एंड नीचे की साइड भी कुछ ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी आउटलाइन कैसे करनी है, क्योंकि बिना आउटलाइन की ये अच्छी नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को पेंट कर ले रहा हूँ, देन आपको बताऊंगा इसकी आउटलाइन कैसे करनी है। तो बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए मैंने ब्लू एंड वाइट पेंट को मिक्स किया है कुछ इस प्रकार से। देन इसमें थोड़ा सा वाटर एड किया है। उसके बाद मैंने 6 नंबर ब्रश का यूज़ किया है बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए। तो चलिए इसको भी अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। तो गाइस बैकग्राउंड पेंट करना काफ़ी इजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ। तो गाइस अगर आपको जहाँ भी डिफ़िकल्ट लगे कि यहाँ तक पेंटिंग हमारी नहीं पहुँच पाएगी, तो आप पतले वाले ब्रश का यूज कर लीजिएगा पेंट करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसके बाद गाइस आपको आउटलाइन करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेंट एंड 0 नंबर पेंटिंग ब्रश का यूज किया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी आउटलाइन कर लेते हैं। तो गाइस अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलर कॉन्टेंट डालता रहता हूँ आर्ट से रिलेटेड। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपको तना को आउटलाइन करना है कुछ इस प्रकार से, देन आपको फूल को आउटलाइन करना है, ठीक है। तो चलिए इसकी आउटलाइन कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा कमल का फूल बनकर तैयार हो चुका है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।